क्वेश्चन नंबर 3012, मिनिमाइज लेंथ ऑफ एरे यूजिंग ऑपरेशन, आज के कॉन्टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक एरे गिवन है जीरो इंडेक्स, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा टास्क है कि मिनिमाइज करनी है उसकी लेंथ को बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या है कि दो इंडेक्स सेलेक्ट करो सच दैट उनकी जो वैल्यूज़ हों वो जीरो से ग्रेटर देन हो, और फिर इंसर्ट कर दो नम्स आई मॉडलस नम्स जे एट द एंड ऑफ नम्स। ठीक है, फिर डिलीट कर दो आई और जे को। तो मैं ये वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये वाला भी दोनों 1 4 3 1 पहले वाला। तो 1 4 3 1 ये एक एरे गिवन है, तो इसमें से कोई भी दो इंडेक्स उठाओ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो। ठीक है, कोई भी दो तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुमने ये उठाया और मान लो ये उठाया, फिर इन दोनों को रिप्लेस कर दो, हटा दो इस एरे से, और एरे के इंड में 1 मॉडुलस 1 को इंसर्ट कर दो, तो क्या बचेगा 4 3, और एरे के इंड में इंसर्ट कर दिया वो हो गया 0। अब फिर से कोई दो इंडेक्स उठाओ, सपोज़ ये उठाया और ये उठाया, इसको अब हम नहीं पिक कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई है, और हम दो भी जो भी इंडेक्स उठाएंगे उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने ये दो इंडेक्स उठाए हैं तो इनको रिमूव कर दो एरे से, और उसकी जगह क्या इंसर्ट कर दो 4 मॉडुलस 3, तो वो इंसर्ट हो गया 1। ठीक है, अब कोई भी दो इंडेक्स उठाओ सच दैट दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे कोई दो इंडेक्स नहीं है जिनकी दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो इसलिए ऑपरेशन और परफॉर्म नहीं हो सकता, और हमारी जो मिनिमम लेंथ आई वो आई 2। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका हो गया, लेकिन जो इसका आंसर है वो इसका 1 है, वो कैसे है वो देखते हैं। सपोज 1 1 4 3 1 था, ठीक है, सॉरी 1 1 4 3 1 नहीं था, 1 4 3 1 था, एक 1 ज़्यादा ले लिया हमने। तो लेट सपोज हमने ये वाला नंबर उठाया और ये दो इंडेक्स उठाए, तो इनको रिमूव कर दिया एरे से, और लास्ट में क्या इंसर्ट कर दिया 1 मॉडुलस 4, तो लास्ट में हो गया 1। अब हमने कोई दो इंडेक्स उठाया, सपोज ये उठाया और ये उठाया, तो इन दो को रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और लास्ट में क्या इनपुट कर दिया 3 मॉडुलस 1, जो हो गया 0। अब हम कोई दो इंडेक्स उठाएंगे जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, तो अभी भी लेंथ क्या आई 2। चलो कोई और तरीका देखते हैं, शायद किसी और तरीके से 1 आ जाए। तो लेट सपोज हमने 1 4 3 1 में से 1 उठाया और 4 उठाया, तो इनको रिमूव कर दिया और इंड में क्या डाल दिया 1 को। अब लेट सपोज हमने उठाया इस 3 को इस 1 को, लेकिन हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो 3 मॉडुलस 1 ना करके हमने 1 मॉडुलस 3 परफॉर्म किया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम आई इंडेक्स जे इंडेक्स उठाते हो, और चाहे आई मॉडुलस जे कर सकते हो या फिर तुम जे मॉडुलस आई भी कर सकते हो, दोनों तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। वो क्यों है, क्योंकि तुम्हें बोल रखा है कि सेलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट इंडेसेस आई एंड जे, कोई ये कंडीशन नहीं है कि आई लेस देन जे होना चाहिए या आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी दो इंडेक्स उठा सकते हो। ठीक है, तो सपोज़ ये वाला आई उठाया और ये वाला जे उठाया हमने, तो 1 मॉडुलस 3 कितना हुआ, 1 मॉडुलस 3 हुआ 1, और इसको एज इट इज़ लिख दिया, या फिर इसको यहाँ पे लिखा और इंड में 1 मॉडुलस 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों को उठाया और इन दोनों को एरो से रिमूव किया, और लास्ट में क्या डाल दिया 1 मॉडुलस 1, जो हो गया 0। तो यहाँ पे हमें लेंथ क्या मिल गई, 1 मिल गई, तो अब मिनिमम लेंथ हुई आंसर 1। तो यहाँ से 2 मिला था, यहाँ से भी 2 मिला था, लेकिन हमारा आंसर हुआ 1, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल 1 था। अब अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल देखें, 5 5 5 10 और 5, ठीक है, तो अगर इसमें से हमने ये उठाया और ये दो इंडेक्स उठाए, तो क्या बनेगा 5 5 और 5 मॉडुलस 10 कितना होगा, 5 होगा, और ये एज इट इज़ रह जाएगा, चाहे इंड में इंसर्ट करो चाहे बीच में इंसर्ट करो, कोई मतलब नहीं बनता, ये स्टेटमेंट किसी मतलब किसी भी कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है कि इंसर्ट एट द एंड, चाहे तुम कहीं भी इंडेक्स करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें दो डिस्टिंक आई और जे उठाने हैं, तो चाहे वो तुम आई जे बोलो उसको जे आई बोलो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तो एंड में इंसर्ट करना ये कम्प्लीटली यूजलेस स्टेटमेंट था इसमें। अब तुमने ये वाला 5 और ये वाला 5 उठाया, तो इंसर्ट कर दिया 0, ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गया,
इंसर्ट जीरो क्यों हुआ? क्योंकि 5 मॉडुलस 5 जीरो होता है। अब कोई दो इंडेक्स उठाओ जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो सीधी सी बात है अब ये दो उठा लिया हमने, ये वाले दो, और फिर इंसर्ट कर दिया 5 मॉडुलस 5 0। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल 2 है, इससे छोटी हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की अप्रोच समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन को ये वाली स्टेटमेंट को हम लेकर आए थे कॉपी करके अपने एक्सटर्नल में, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बता देगा, इससे ही हमें काफ़ी हिंट मिलेगा। देखो, योर टास्क इज़ टू मिनिमाइज द लेंथ बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला है कि सेलेक्ट टू इंडिसेस आई एंड जे फ्रॉम नम्स सच दैट दोनों की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो। तो हम चाहते हैं कि हमारा एरे जो हो वो मिनिमम पॉसिबल हो, ठीक है, जितनी उसकी लेंथ मिनिमम पॉसिबल हो सके, जितनी भी मतलब मिनिमम हो सके। तो सीधी सी बात है, अगर हमने किसी भी हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जितने कम ज़ीरो बना सकते हैं, क्योंकि अगर ज़ीरो बन गया तो उसको हम दोबारा पिक नहीं कर पाएंगे लेंथ बनाने के लिए, सॉरी ऑपरेशंस के लिए। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जितने कम ज़ीरो बन सकें उतना अच्छा है, ठीक है। फिर दूसरा है कि इंसर्ट द रिज़ल्ट ऑफ नम्स आई एट द एंड। ये तो स्टेटमेंट कोई मतलब ही नहीं है, चाहे तुम एंड में इंसर्ट कर दो चाहे कहीं बीच में इंसर्ट करो, मतलब नहीं बनता। फिर डिलीट द एलिमेंट्स एट द इंडेसेस आई एंड जे, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी दोगे, मतलब इंड में नहीं कहीं भी इंसर्ट करो, तुम्हारी मर्ज़ी है। सच दैट नम्स आई ग्रेटर दैन जीरो एंड नम्स जे ग्रेटर दैन जीरो। तो सीधी सी बात है, हमें ट्राई करना है कि हम जो हमारा एरे है इसमें कोई भी ऐसे दो नंबर ना सेलेक्ट कर लें जो ज़ीरो दे रहे हो, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर वो ज़ीरो आके बैठ जाएगा और उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एज इट इज़ बैठा रहेगा, तो वो लेंथ बढ़ाएगा ही। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका सॉल्यूशन दे ट्राई करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और क्यों है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितने नंबर भी ऑफ टाइम्स तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो हम एरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं, सपोज़ 1 4 3 1 जो था, हम एरे को शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि तुम कोई भी दो इंडेक्स उठा सकते हो आई एंड जे फ्रॉम नम्स सच दैट नम्स आई ग्रेटर दैन जीरो नम्स जे ग्रेटर दैन जीरो। फिर चाहे तुम किसको आई बोलो किसको जे बोलो वो फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम चाहे एरे शॉर्ट कर लें ना शॉर्ट करें कोई मतलब नहीं बनता। तो हम लेकिन हम शॉर्ट कर रहे हैं समझने के लिए, 1 1 3 4। तो अब अगर इसको देखो ध्यान से, ये जो 1 है, अगर ये क्योंकि हम ऑपरेशन कितने भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, तो अगर ये 1 को हम इस 3 के साथ मॉडुलस ले लेंगे तो क्या 3 हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा, और बचेगा क्या? सिर्फ 1। फिर अगर हम इस 1 को इस 4 के साथ भी ले लेंगे सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? 1 मॉडुलस 4 होगा, फिर ये 4 हट जाएगा और ये सिर्फ 1 बचेगा, तो लास्ट में बचेगा 1 और 1। फिर हम इन दोनों को ले लेंगे तो बचेगा 0, ठीक है। तो मतलब इससे हमें ये मिल रहा है कि अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अगर हम उसको लेके ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे हमेशा स्मॉलेस्ट ही रहेगा। सपोज़ 2 था, यहाँ पे 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, कुछ भी था, तो अगर हम 2 का 5 के साथ मॉडुलस लेंगे 2 मॉडुलस 5, तो 2 एज इट इज़ रहेगा और 5 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 2 को 7 के साथ लेंगे तो 2 एज इट इज़ रहेगा, 7 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 9 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 11 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है ये भी एक बार समझा देता हूँ। 2 और 5 को हमने आई और जे लिया, तो 2 मॉडुलस 5 हुआ, 2 5 को हमने एरे से हटा दिया, बचा क्या? 7, और इंड में क्या इंसर्ट कर दिया? 2 मॉडुलस 5 2, तो ये कुछ नहीं 2 7 ही है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से 5 डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम जिसके साथ भी मॉडुलस ले रहे हैं वो वाला नंबर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है अगर सबसे छोटा नंबर है। तो इससे हमें एक चीज़ ये निकल के आती है कि हम क्या करेंगे, हम एरे को शॉर्ट कर लेंगे अपने एरे को जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। अगर मान लो सबसे छोटा नंबर सिर्फ 1 टाइम है, 2 था, उसके बाद था 4 4 6 8 9 10 ऐसा कुछ भी था, तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो है वो सिर्फ एक टाइम है, तो मतलब ये सबके साथ ऑपरेशन करेगा और सिर्फ हमेशा खुद को बचा रखेगा। 2 मॉडुलस 4 होगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर इस 2 को 4 के साथ लेंगे, ये 4 डिस्ट्रॉय, फिर ये 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो लास्ट में बचेगा सिर्फ 2। तो मतलब आंसर हमेशा 1 होगा अगर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो सिर्फ एक बार ही आता है। लेकिन अगर मान लो स्मॉलेस्ट नंबर 2 बार आता है, 2 2 होता है, 4 4 6 8 9 कुछ भी होता है, तो ये 2 इस 4 के साथ इस 4 को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर इसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, इसको भी, इस वाले को भी, इसको भी, तो सबको डिस्ट्रॉय करने के बाद ये सिर्फ खुद बचेगा।
फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में लड़ेंगे, फिर टू टू क्या हो जाएगा, टू मॉडुलस टू, फिर ये हो जाएगा ज़ीरो। तो मतलब अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा आंसर हुआ वन, लेकिन अगर मान लो ये ऐसे होता टू 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 फोर सिक्स एट नाइन कुछ भी नंबर होता, तो ये टू इस फोर को डिस्ट्रॉय करता, इसको इसको इसको, लास्ट में ही सिर्फ बचता, लास्ट में सिर्फ ये इतना एरे बचता। फिर हम क्या करते, इन दोनों को लेते हैं, ये ज़ीरो बना देता, फिर इन दोनों को लेते हैं, ये ज़ीरो बना देता, तो लेंथ हमारा आंसर आता टू। तो मतलब ये पता चल रहा है कि जो मिनिमम नंबर्स हैं उन पे हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है। अगर मिनिमम नंबर सिर्फ वन टाइम है तो आंसर वन, और मिनिमम नंबर अगर हमारा एक से ज़्यादा बार है तो उसका आंसर होगा सील ऑफ एन बाई टू। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन ये अभी एक केस एक ऐसा बनेगा जिसमें ये एक और केस लगेगा। ये तो दो केस हमने डिस्कस कर लिए, अगर मिनिमम नंबर वन टाइम्स है तो वन, अगर मिनिमम नंबर एक से ज़्यादा बार है तो सील ऑफ एन बाई टू। लेकिन एक केस और देखो, सपोज टू फाइव फाइव टेन, लेट सपोज टू टू नहीं, ये लो टू 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 फाइव टेन, अगर ये है तो, अगर हमने जो अभी तक देखा था अपनी पुरानी वाली अप्रोच, मिनिमम नंबर अगर सिर्फ वन टाइम है तो आंसर वन, अगर मिनिमम नंबर एन टाइम्स है तो आंसर सील ऑफ एन बाई टू। तो इसके हिसाब से मिनिमम नंबर तीन बार है तो आंसर कितना होना चाहिए था, थ्री बाई टू प्लस वन, आंसर होना चाहिए था टू। ठीक है, क्योंकि ये टू इस फाइव को डिस्ट्रॉय करेगा, इस टेन को डिस्ट्रॉय करेगा, बचेगा क्या, टू टू टू, फिर ये टू टू आपस में ज़ीरो बना लेंगे और फिर ऑपरेशन कोई परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो आंसर टू आना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका आंसर टू नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा फिर बताता हूँ। अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएं और इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसको आई सेलेक्ट कर ले, इसको जे सेलेक्ट कर ले, तो ये हटेगा यहाँ से, ये हटेगा ऑपरेशन में, टू टू टेन, और लास्ट में क्या चला जाएगा, फाइव मॉडुलस टू। फाइव मॉडुलस टू कितना होता है, वन। तो अब हमारा नया मिनिमम क्या है, अब हमारा नया मिनिमम टू नहीं है, अब हमारा नया मिनिमम वन है, और वन सिर्फ वन टाइम है। तो अब ये वन इस टेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस टू को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इस टू को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आंसर लास्ट में सिर्फ वन। तो आंसर हमारा होना चाहिए वन, ना कि आंसर हमारा होना चाहिए टू। तो हमारे टोटल 30 केस, तीन केस बनते हैं। एक, अगर मिनिमम नंबर वन टाइम्स है तो सीधे सीधे वन रिटर्न कर दो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मिनिमम नंबर हमने अब तक चूज़ किया है, इस केस में टू, उससे भी छोटा मिनिमम नंबर एग्जिस्ट करता हो, और वो कैसे पता चलेगा, हम इस टू को लेंगे और सबके साथ मॉडुलस कर लेंगे और देखेंगे क्या टू से छोटा नंबर मिल रहा है हमें। अगर मिल रहा है तो इसमें टू को लिया हमने और सारे नंबर के साथ मॉडुलस ले लिया, फाइव के साथ मॉडुलस लेने पे वन मिला, टेन के साथ मॉडुलस लेने पे ज़ीरो मिला, तो हमें एक ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है जो टू से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है टू से भी एक छोटा नंबर मिल गया है। अगर सपोज़ कुछ ऐसा होता थ्री थ्री थ्री, फिर होता फाइव और टेन, ठीक है, ये होता, तो अगर हम ये पुरानी वाली अप्रोच लगाते तो हमारा आंसर टू आता। लेकिन अगर हम फाइव मॉडुलस थ्री कर देंगे, फाइव मॉडुलस थ्री, इसको आई और जे ऐसा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा टू, फिर थ्री थ्री साइड आ जाएंगे, फिर टेन, ये तो डिस्ट्रॉय हो गए, ये तीन थ्री थ्री ऐसे लिख दिए, इस टेन को मैंने यहाँ लिख दिया, अब इन दोनों का जो मॉडुलस था वो एज टू आ गया, अब ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये वाला केस हमने लिख दिया, हम जो सबसे मिनिमम नंबर था उसका सारे नंबर के साथ मॉडुलस लेंगे, और अगर हमें उससे भी छोटा एक नंबर मिल जाता है तो हम उसको यूज़ करके सबको डिस्ट्रॉय करके आंसर वन निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वन से छोटा तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये हो गया, तो इस केस में वन है, इस केस में वन है, नहीं तो आंसर हमेशा एन बाई टू ही रहेगा, सील ऑफ एन बाई टू। अब इसका अगर कोड देख ले तो कोड भी बहुत ईजी है, हमने शॉर्ट कर लिया क्या, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर चाहिए था। शॉर्ट करने के बाद पहला एलिमेंट ही मिनिमम नंबर होगा, फिर सारे के सारे एलिमेंट्स में हमने काउंट किया कि मिनिमम नंबर कितने टाइम्स आ रहा है। अगर मिनिमम नंबर सिर्फ वन टाइम्स आ रहा है तो हम उसको यूज़ करके सारे नंबर डिस्ट्रॉय कर देंगे और वन रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर है
जिसका मॉडुलस मिनिमम नंबर लेने से उससे भी छोटा नंबर मिल रहा है। जैसे इस केस में क्या था, कहाँ गया पॉइंटर मेरा, हाँ ये पॉइंटर। तो इस केस में क्या था, 2 2 2 5 10 था। तो इसमें इस 2 को, इस 5 को यूज़ करके हम 1 बना ले रहे थे, और जैसे ही हमारा 1 बन गया, क्योंकि 5 मॉडुलस 2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको भी कर देगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो हमने चेक किया कि अगर आई मॉडुलस एम एन 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो नंबर मिलेगा वो सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो रिटर्न 1 कर दिया। नहीं तो अगर ये सील ऑफ काउंट बाई 2 को रिटर्न किया है, डायरेक्ट फंक्शन में लिख सकते हो, या फिर ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ऐसे होने वाला था, उतना भी टफ ये था नहीं, थोड़ा सा मैथ लगानी थी इसमें बस।